देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस ने हरियाली कार्यक्रम मनाया जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाई, साथ ही सावन के गीतों पर झूमती नजर आई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि तीज एक ऐसा त्यौहार है जो हर साल सावन के महीने में आता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीज पर महिलाएं पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये हरियाली तीज का त्यौहार है और ये सावन के महीने आता है। इसमें माँ पार्वती से भगवान की पूजा की जाती है। हमने ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है और ये सारी महिलाएं त्यौहार को अच्छे धूमधाम से मनाती है। और आज महिला कांग्रेस इसको आयोजित किया हम लोगों ने। बहुत महिलाएं हमेशा घर परिवार संभालते हैं, लेकिन एक सेलिब्रेशन उनके लिए हरियाली तीज के टाइम के लिए हम लोगों ने यहाँ महिला कांग्रेस